हेलो दोस्तों, गेट्स मशीन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी या फिर पर्ट सीपीएम के ऊपर। तो इस वीडियो में हम पर्ट सीपीएम के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिंपलेक्स मेथड है, हंगेरियन मेथड, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एक बार उसको जरूर चेक कर लें ताकि आपका वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज पर्ट सीपीएम। तो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमेशा हर साल आपको कहीं ना कहीं दो तीन क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर एलपीपी और पर्ट सीपीएम के ऊपर कम से कम दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पर्ट सीपीएम में भी आपको सिमिलर लेवल के क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन ही है जो बार बार रिपीट होते हैं, या तो थ्योरी क्वेश्चन है या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द जैसे सीपीएम, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहां पे हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ फॉर द प्रोजेक्ट, एंड हमारे पास एक्टिविटीज है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास प्रीडिसेसर्स दिए हैं, ड्यूरेशन दी है, और हमें राइट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल एक्टिविटीज हैं और ये एक्टिविटीज कहां पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें स्टार्ट करनी है वो एक्टिविटी से जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जिससे पहले कुछ भी नहीं है। तो जैसे देखो बी है, बी तभी होगा जब उससे पहले प्रीडिसेसर ए कंप्लीट होगा। ए की अगर हम बात करें तो ए का प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, मतलब ए से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ए से पहले कोई भी नहीं है। लेकिन बाकी सारे के जैसे डी है वो बी के ऊपर डिपेंड है, ई सी एफ डी और ई के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं ए से, ए के बाद हमारे पास आता है कौन सा, बी। देखो बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहां पे मेरे पास बी के बाद जो है वो, मतलब बी से पहले मेरा ए कंप्लीट होना चाहिए, देन सी, सी का भी प्रीडिसेसर कौन है, ए। देन हमारे पास आता है डी, डी का प्रीडिसेसर है बी और ई का प्रीडिसेसर है सी। तो इस तरीके से आप बना लो। देन एफ, एफ का प्रीडिसेसर कौन है, डी एंड ई बोथ। तो यानी यहां पे डी एंड ई बोथ जो है वो मिलके कंप्लीट होंगे, तब जाके आपका एफ जो है वो स्टार्ट होगा। देन फिनिश, मतलब यहां पे हमारा जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, क्योंकि सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। तो ये एक नेटवर्क डायग्राम बन गया जिसको बोलते हैं AON, दैट इज एक्टिविटी ऑन नोड। हम यहाँ पे एक्टिविटी ऑन नोड कर रहे हैं और हमें फाइंड आउट करनी है सम वैल्यूज। वैल्यूज कौन सी है एस्टिमेटेड हमारे पास, यहां पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। हमें यहां पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस तरीके से, और ये वैल्यूज है कौन कौन सी, अर्लीएस्ट स्टार्ट, आपको मैं लेव एंड डायग्राम यहां पे बना देता हूं। ये वाली वैल्यूज जो है हमें फाइंड आउट करनी है इस तरीके से। यहां पे होता है हमारा अर्लीएस्ट स्टार्ट, अर्लीएस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, और यहां पे हमें नोड, जो भी हमारी नोड है ए बी सी डी, वो नोड यहां पे लिखनी है, और ऊपर हम लिखते हैं ड्यूरेशन और यहां पे स्लैक टाइम। इस तरीके से हमें ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जिसमें से ड्यूरेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो कुल मिला के ये दो वैल्यूज और ये दो, मतलब ये आपको फाइंड आउट करनी है हर एक नोड के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद ए, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। नोड कौन सी है, ए। ड्यूरेशन कितनी है ए की, 5। अब अर्लीएस्ट स्टार्ट, अर्लीएस्ट स्टार्ट, तो ए का स्टार्ट टाइम कब है, ऑब्वियसली इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो यानी ए का स्टार्ट टाइम अर्लीएस्ट क्या होगा, 0। फिनिश कब फिनिश होगा, 5 पे फिनिश होगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अर्लीएस्ट स्टार्ट, अर्लीएस्ट फिनिश। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ मतलब हम स्टार्ट से फिनिश की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, अर्लीएस्ट स्टार्ट एंड अर्लीएस्ट फिनिश। जब हम बैकवर्ड करेंगे तो उस टाइम पे हम नीचे वाले वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी के केस में हमारे पास, बी के केस में व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बी, 4। अब B का जो अर्लीएस्ट स्टार्ट क्या है, B किसके ऊपर डिपेंड है, A के ऊपर, तो A कब फिनिश होगा, 5 पे। तो यहां पे आपका जो 5 है, मैं यहां पे लिख देता हूं, 5 इज व्हाट द अर्लीएस्ट स्टार्ट ऑफ B, देन फिनिश। फिनिश कब होगा, क्या है B की ड्यूरेशन, B की ड्यूरेशन है 4, यानी 5 प्लस 4 क्या हो गया, 9। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन D, D की अगर हम बात करें तो D का कैसे बनेगा डायग्राम, D, D की ड्यूरेशन कितनी है, यहां पे D की ड्यूरेशन है 6। अब D का अर्लीएस्ट स्टार्ट कब होगा, D कब स्टार्ट होगा, जब D किसके ऊपर डिपेंड है, B, तो B फिनिश कब हो रहा है, 9 पे। तो 9 और इसको ड्यूरेशन कितनी लगेगी, 6 मंथ, तो यानी 9 प्लस 6 यानी
15. इस तरीके से बस आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सी 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 की ड्यूरेशन है यहां पे 5. C की ड्यूरेशन है 5. अब C किसके ऊपर डिपेंड है? A. तो A कंप्लीट हो रहा है 5 पे. तो यानी कब स्टार्ट होगा? 5 पे. और कंप्लीट कब होगा, मतलब आपका अर्लीस्ट फिनिश कब होगा? 10 पे. देन E. E की ड्यूरेशन है यहां पे 3. और E किसके ऊपर डिपेंड है? C के ऊपर. तो C जो है वो फिनिश कब हो रहा है? 10 पे. तो 10 प्लस 3 क्या हो गया यहां पे? 13. इस तरीके से आपको वैल्यूज एक एक करके. अब फाइनल आते हैं हम F के ऊपर. F की वैल्यूज यहां पे ध्यान से करनी है, क्योंकि F जो है, F की ड्यूरेशन कितनी है? 4. लेकिन F जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? D एंड E के ऊपर, बोथ, मतलब दोनों D और E के ऊपर डिपेंड है. D फिनिश हो रहा है 15 पे और E फिनिश हो रहा है 13 पे. मतलब लेट्स से आप और आपके दोस्त जा रहे हैं कहीं पे किसी पार्टी पे, आप अगर फ्री हो रहे हो 1 बजे और आपका दोस्त फ्री हो रहा है 3 बजे, तो आप कब जाओगे? ऑब्वियसली 3 बजे जाओगे. मतलब मैक्सिमम टाइम जो है आपको फाइंड आउट करना है. तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 13 और 15 में से मैक्सिमम कौन सा है? 15. तो यानी आपका 15 टाइम पे आप स्टार्ट करो, क्योंकि आप दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, दोनों को मिलके ही इकट्ठे ही जाना है. तो दोनों इकट्ठे पार्टी में कैसे जाओगे? अगर आप 1 बजे फ्री होगे, आपका फ्रेंड 3 बजे फ्री होगा, और अगर कंडीशन ये है कि दोनों को इकट्ठे ही जाना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप 2 घंटे वेट करो, क्योंकि जब आपका फ्रेंड फ्री होगा तब आप. तो यहां पे भाई 13 और 15 में से मैक्सिमम कौन सी है? 15 वैल्यू है. तो 15 प्लस 4 आपका 19 पे काम जो है वो खत्म होगा. इस तरीके से हमें ये वाली वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ये फॉरवर्ड पास. अब हम बात करते हैं बैकवर्ड पास. बैकवर्ड पास के केस में हम फिनिश से स्टार्ट की तरफ जाते हैं, और हमें फाइंड आउट करनी है यहां पे ये तीन वैल्यूज, दैट इज लेटेस्ट स्टार्ट, स्लैक टाइम, लेटेस्ट फिनिश. अब लेटेस्ट फिनिश यहां पे क्या होगा? लेटेस्ट फिनिश, सबसे पहले हम एफ की बात करें, तो फिनिश टाइम जो है इसका फिनिश टाइम कितना होगा? 15. मतलब यहां पे मैं लिखूं अगर 19, मतलब फिनिश टाइम कितना है इसका? 19. क्योंकि कब फिनिश हो रहा है? 19 पे. तो आपको सिंपली यहां से स्टार्ट करना है, यानी ये वाला जो है वो 19 पे फिनिश होगा. और हमें यहां पे फॉर्मूला लिखना है स्लैक टाइम का. स्लैक टाइम, तो स्लैक टाइम का फॉर्मूला है एल एफ, दैट इज लेटेस्ट फिनिश माइनस ई एफ, दैट इज अर्लीस्ट फिनिश. लेटेस्ट फिनिश माइनस ई एफ. तो यहां पे मेरे पास लेटेस्ट फिनिश कितना आया एफ का? 19. और अर्लीस्ट फिनिश कितना था? 19. तो 19 माइनस 19 क्या हो गया? 0. तो यानी स्लैक टाइम एफ का कितना आया? 0. और यहां पे हमारे पास है दूसरा मेथड, वो है लेटेस्ट स्टार्ट. ये वाली जो वैल्यू लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट हम निकालते हैं लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. लेटेस्ट स्टार्ट जो है वो लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन. तो एफ का लेटेस्ट फिनिश क्या है? 19. और ड्यूरेशन कितनी है? 4. तो 19 माइनस 4 कितना हो गया? 15. इस तरीके से बस आपको बैकवर्ड में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब अगर हम बात करें ई की, तो ई का लेटेस्ट फिनिश जो है वो कितना होगा? वो एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो एफ यहां पे है. तो एफ का लेटेस्ट जो है वो 15 है लेटेस्ट स्टार्ट, और वो इसका लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा. इसी केस में भी अगर हम बात करें तो D का लेटेस्ट फिनिश क्या होगा? 15. क्योंकि वो उसके बाद कौन सा? F. और F का लेटेस्ट स्टार्ट क्या है? 15. तो यानी ये स्टार्ट कर रहा है 15 पे, और ये कंप्लीट होना चाहिए कब? 15 पे. तो यहां पे मेरे पास 15 आ गया. और अगर हम बात करें स्लैक टाइम, तो स्लैक टाइम क्या है? 15 माइनस 15 0, 15 माइनस 13 2. ये फॉर्मूला आप याद रखो. तो स्लैक टाइम इस तरीके से आप निकाल सकते हो. लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट का फॉर्मूला क्या है? एल एफ माइनस डी. एल एफ मतलब 15 माइनस 3 12, 15 माइनस 6 9. इस तरीके से आपको एक एक करके वैल्यूज निकालनी है. देन अगर हम बात करें यहां पे बी, तो B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां पे D जो है वो D का जो फिनिश है लेटेस्ट स्टार्ट कितना? 9. तो यानी इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9. और 9 माइनस 9 स्लैक टाइम 0, 9 माइनस 4 लेटेस्ट स्टार्ट आ गया 5. ऐसी अगर हम बात करें C की वैल्यू, तो C का लेटेस्ट फिनिश आ जाएगा 12, 12 माइनस 10 करोगे तो स्लैक टाइम आ गया 2, 12 माइनस 5 करोगे तो यहां पे 7 आ गया लेटेस्ट स्टार्ट. देन अगर हम बात करें A की, तो A का यहां पे मेरे पास आ गई वैल्यू, A की वैल्यू आएगी, ये देखो A की वैल्यू 5 और 7 इन दोनों में से, क्योंकि A जो है जब आप बैकवर्ड आ रहे हो तो B और C के ऊपर डिपेंड कर रही है A की वैल्यू. अगर हम बैकवर्ड की बात करें, तो जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो दोनों में से मैक्सिमम, इस केस में देखो हमने मैक्सिमम उठाई थी ना,
13 और 15 में से मैक्सिमम उन्होंने 15 उठाई, लेकिन बैकवर्ड के केस में अब बी की वैल्यू कितनी है लेटेस्ट 5 और इसकी वैल्यू कितनी है लेटेस्ट 7, तो दोनों में से मिनिमम उठानी है। तो 5 और 7 में से मिनिमम कौन सी है 5, तो यानी इसका जो लेटेस्ट फिनिश होगा वो कितना होगा 5, और यहां पे 5 - 5 करोगे तो 0 इसका स्लैक टाइम, और 5 - 5 यहां पे करोगे तो इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो भी कितना आ गया 0, क्योंकि 5 माइनस ड्यूरेशन करोगे तो वो भी क्या आ गया 0। तो इस तरीके से आपको जो है वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज को आप याद रखो और इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अब अगर आपसे कोई स्लैक टाइम पूछे, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, मतलब स्टार्ट से फिनिश तक जाना है तो कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से पाथ है। एक तो पाथ है ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, एक है ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, तो यानी ये ए सी डी एफ, ए सी डी, ये तो पाथ ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ऑप्शन गलत, ए सी, ए सी से डी कैसे चलेगा, जा ही नहीं सकते। ऐसी ए बी ई एफ, ए बी ई एफ नहीं, ए बी से ई कैसे जाओगे, नहीं जा सकते, तो दो ऑप्शन तो ये आपके सिंपल खत्म हो गए। तो यानी इन दो पाथ में से कौन सा चूज करना है, क्रिटिकल पाथ हम वो चूज करते हैं जिस पाथ में नोड्स का स्लैक टाइम क्या होगा 0, क्योंकि हम चाहते हैं स्लैक मतलब डिले, हम वो डिले नहीं चाहते, और उस केस में हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ए का स्लैक टाइम कितना है 0, बी का 0, डी का 0, एफ का 0, लेकिन इस केस में सी का स्लैक टाइम 2, ई का स्लैक टाइम 2, तो यानी ये वाला पाथ चूज नहीं करना, ए सी ई एफ वाला आपका पाथ बनेगा ए बी डी एफ, क्योंकि इनमें नोड्स का स्लैक टाइम क्या रहा है 0, तो यानी ए बी डी एफ मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, स्लैक टाइम, कि ए का स्लैक टाइम बताओ या बी का स्लैक टाइम, डी का, एफ का, तो देखो आपके पास सारे स्लैक टाइम्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपसे ए का स्लैक टाइम पूछा है तो क्या आ गया उसका आंसर 0 स्लैक टाइम। तो इस तरीके से हम CPM के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इन फॉर्मूलाज को आप याद रखो, एक बार अगर इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा चेक करो, डेफिनेटली आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द PERT CPM द मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट डैश ऑफ टू और मोर इवेंट्स, और यहां पे मेरे पास चार ऑप्शन है। तो PERT की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, एंड CPM इज अ क्रिटिकल पाथ मेथड। तो CPM के ऊपर ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जहां पे हमने स्लैक टाइम और क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया था, और ये है यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन। तो थ्योरी क्वेश्चन जो है, आप PERT को अगर हम विकीपीडिया पे भी आप अगर चेक करो ना, तो उसमें जितना भी कंटेंट है उतना कंटेंट भी अगर आप कवर कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे इवेंट की बात कर रहा है, इवेंट एक्चुअल में होता क्या है, इवेंट को हम PERT में रिप्रेजेंट करते हैं विद द सर्कल, और इवेंट है क्या, इट इज अ पॉइंट इन टाइम जहां पे एक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है और दूसरी एक्टिविटी बिगिन हो रही है, मतलब ये पॉइंट इन टाइम एक पॉइंट है, ऐसा टाइम जहां पे एक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, मतलब इस तरीके से एक्टिविटी एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही हैं और कोई नई एक्टिविटी क्या हो रही है स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सर्कल। तो इसको हम नोड भी बोल देते हैं, इवेंट को हम सर्कल या नोड भी बोलते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है मर्ज, मर्ज का मतलब है दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज आके नोड के ऊपर मर्ज हो रही है, इवेंट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पे मर्ज का मतलब क्या है कि दोनों मिल रही है, मतलब दोनों मिलने का मतलब क्या है कि दोनों यहां पे क्या हो रही है कंप्लीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम क्या कंप्लीशन। और दूसरा टर्म यहां पे यूज करते हैं बर्स्ट, एक हम यूज करते हैं मर्ज टाइम और दूसरा हम यहां पे यूज करते हैं बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब है कि जहां पे एक एक्टिविटी लीव कर रही है, लीव मतलब छोड़ के जा रही है, मतलब नई एक्टिविटी कोई स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट। और मर्ज हम बोलते हैं कि जहां पे दो एक्टिविटीज या मल्टीपल एक्टिविटीज आके कंप्लीट हो रही है। तो इस क्वेश्चन में मर्ज इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी हमारे पास आंसर क्या बनेगा बी, दैट इज कंप्लीशन। और अगर यहां पे पूछ ले द बर्स्ट इवेंट, तो बर्स्ट इवेंट को आप क्या बोलोगे, बर्स्ट इवेंट का मतलब है बिगनिंग, मतलब एक नई चीज है, एक नई एक्टिविटी क्या हो रही है बिगिन हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे बिगनिंग। तो मर्ज के केस में आप कह सकते हो कंप्लीशन ऑफ सम एक्टिविटीज ऑन द नोड, ये है सर्कल नोड। थैंक यू।